उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन को भी मंजूरी मिली है। एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की कमेटी होगी और इसका मुख्यालय प्रयागराज में रहेगा। राज्य सरकार के अधीन ऐतिहासिक इमारतों को 90 साल के लीज पर आवंटित करने का फैसला किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश बाटा टूरिज्म स्पोर्ट पॉलिसी 2023 को मंजूरी मिली है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि हेरिटेज भवन को होटल, रिसॉर्ट और म्यूजियम के रूप में डेवलप करने के लिए देंगे। ये जो 21 जिले हैं उसमें भदोही, संत कबीर नगर, औरैया, महोबा, हबीबपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, जालौन, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, चंदौली, झांसी, बस्ती, हरदोई, देवरिया और गोरखपुर में 100% जियो रेफरेंस के आधार पर इनका खसरावार डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाना है और शेष 54 जनपदों के भीतर 10-10 राजस्व ग्राम उसके भीतर शामिल होंगे, जिनके भीतर ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। भारत सरकार और ये केंद्र पूर्व निर्धारित योजना है। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इसको संचालित करेंगे। 60% जो है वो इसका व्यय भारत सरकार वहन करेगी, 40% राज्य सरकार वहन करेगी और इसके माध्यम से समस्त राजस्व गांवों का सजगा मानचित्र, भू संदर्भित मानचित्र का डिजिटलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। शाही पर्यटक आवास ग्रह कलंजर बांदा जिले का, कालंजर बांदा का पांचवा है। राही पर्यटक आवास ग्रह मथुरा छठा है। राही पर्यटक आवास ग्रह राधा कुंड मथुरा सातवा। राही पर्यटक आवास ग्रह सांडी झील हरदोई आठवा है। राही पर्यटक आवास ग्रह नीमसार सीतापुर नवा है। राही पर्यटक आवास ग्रह देवगढ़ ललितपुर और दसवा है। राही पर्यटक आवास ग्रह भदोही। ये अलग अलग जिनका हाईएस्ट रेट पे टेंडर आया था उनको अंतिम रूप से निर्णय लिया गया है कि इनको हम लोग ट्रिपल पी मोड में 30 साल प्लस 2 साल। अब तक की जो प्रक्रिया थी उसमें अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों के चयन में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग तथा अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षकों के चयन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों एवं संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु संबंधित प्रबंध तंत्र एवं परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व्यावसायिक शिक्षा विभाग के निदेशकों हेतु चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की व्यवस्था विद्यमान थी। ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार जनपद बदायूं में मेरठ बदायूं मार्ग राजमार्ग 18 162 से 207 किलोमीटर चयनित तक अर्थात लगभग 45 किलोमीटर का ये मार्ग 2 लेन से 4 लेन चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण समृद्ध करते हुए लंबाई इसकी 45.400 किलोमीटर इसका खर्च जिसकी पुनरीक्षित लागत 316,78,13,000 रुपये GST की धनराशि 923.89 लाख को जोड़कर कुल 326,02,02,000 रुपये इसको मंत्रिपरिषद ने आज अनुमोदित कर दिया है। इससे खासतौर से बदायूं मेरठ मार्ग पर चलने वाले लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी।